हेलो मेरे प्यारे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 1 के बारे में। ये क्लास 11 साइंस का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? आप स्कूल में भी जानते थे कि स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये प्लांट की भी मॉर्फोलॉजी होती है, एनिमल्स की भी मॉर्फोलॉजी होती है। और ये मॉर्फोलॉजी ये बायोलॉजी की ब्रांच है और डील्स करती है कई फॉर्म्स, और ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में स्टडी करना उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आप प्लांट किंगडम स्कूल लेवल से जानते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम के 2 सब किंगडम होते हैं। पहला किंगडम सब किंगडम होता है क्रिप्टोगैमी, ये अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड और इनका रिप्रोडक्शन स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं और विदाउट फ्लावर्स और सीड के होते हैं, इसे क्रिप्टोगैमी कहते हैं या क्रिप्टोगैमस प्लांट्स कहते हैं। ये क्रिप्टोगैमस प्लांट की इसके 3 डिवीजन होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, उसे अल्गी अल्गी कहते हैं थैलोफाइटा को। ये दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, रिक्शिया, मार्केनिशिया इसके एग्जांपल्स है, और टेरिडोटोफाइटा, ये फर्स आप भी जानते हैं स्कूल लेवल से। और दूसरा सब किंगडम होता है फनीरोगैम्स। फ्रेंड्स ये फनीरोगैम्स में सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं और ये प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स और सीड्स इस में फनीरोगैम्स में होते हैं। इसके 2 डिवीजन में बांटा है इसे। पहला डिवीजन है जिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड सीड्स होते हैं, साइकस, तुजा, अरोकारिया, इसके एग्जाम्पल आपने स्कूल लेवल में 9th में पढ़े है। और दूसरा डिवीजन होता है फनीरोगैम्स का एंजियोस्पर्म, ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, इसे फ्लावर बियर करते हैं और फ्लावर के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, गाइनोशियम के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, वहां से सीड्स प्रोड्यूस होते हैं पॉलिनेशन और ये फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये हुई बात मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। मॉर्फोलॉजी का यहाँ पर आपने डेफिनेशन जाना है, प्लांट किंगडम के 2 सब किंगडम क्रिप्टोगैमी, फनीरोगैमी, और उनके 5 डिवीजन होते हैं प्लांट किंगडम के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पोर। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। आगे देखेंगे कि इस टॉपिक का जानेंगे कि कंसेप्ट कंटेंट एट ए ग्लांस, कि इस मॉर्फोलॉजी टॉपिक में कौन से कंटेंट है इसके बारे में जानेंगे। पहला कंटेंट है द रूट। इस वीडियो में पहले पार्ट में रूट के बारे में ही जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा कंटेंट है द स्टेम, और तीसरा कंटेंट है लीफ, और फोर्थ कंटेंट है इन्फ्लोरेसेंस, और फिफ्थ कंटेंट है फ्लावर। ये 5 कंटेंट ये बियर करते हैं शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, और ये 6 कंटेंट ये फ्रूट भी ये शूट सिस्टम में आता है, सीड भी शूट सिस्टम में आता है। फ्रेंड्स ये 8th कंटेंट है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स, इसकी भी चर्चा करेंगे। और लास्ट कंटेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। प्लांट आपने द लिविंग वर्ल्ड में जाना है कि लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन कैसा होता है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, जीनस, ये डिविजन, ये सब का स्टडी लिविंग लिविंग में किया है। माई डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जानेंगे कि क्या जानेंगे कि फ्रेंड्स से इंट्रोडक्शन के बारे में। ये इंट्रोडक्शन में एंजियोस्पर्म या ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस यानी कि बॉक्स और स्पर्म यानी कि सीड्स। तो एंजियोस्पर्म ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो पानी और ये वाटर और मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करने के लिए ये पाइपलाइन जैसी सिस्टम होती है इनके रूट और स्टेम के अंदर, तो उसे वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। फ्रेंड्स ये जाइलम और फ्लोएम इस में रूट और लीव्स सीड्स भी पाए जाते हैं, फ्लावर भी पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं सीड की विद इन द ओवरी एंड दैट इनसाइड द फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए कि ये वो ये कार्पेल और ये गाइनोशियम का पिक्चर दिखाई दे रहा है, और ओव्यूल्स से सीड बनते हैं, ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं। तो आगे देखेंगे, इसमें चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों की ये एंजियोस्पर्म ये लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये मॉर्फोलॉजी सभी कैरेक्टराइज्ड होती है किसमें, रूट्स होते हैं प्लांट्स को, स्टेम होते हैं, लीव्स भी होती है, फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। तो एंजियोस्पर्म ये वर्ड डिराइव्ड करता है ओरिजिन फ्रॉम फैक्ट दैट ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स लाइक ऑर्गन, उसे क्या कहते हैं कि उसे ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स होता है, सीड्स पैदा होते हैं यहाँ पर।
आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट अ क्लासिफिकेशन, द लिविंग वर्ड में आपने जाना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अ हायर प्लांट्स, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स, कई स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस भी होने चाहिए। इस में आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन और टेक्निकल टर्म्स आपको और सभी क्लासिफिकेशन को, टैक्सोनॉमिस्ट को हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए और डिस्टिंग्विशिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फ्रेंड्स, नॉलेज जो भी मॉर्फोलॉजी का हर एक को होता है, प्लांट हो या एनिमल्स हो, ये हेल्पफुल होता है। कई अदर फील्ड्स बायोलॉजी के होते हैं, जैसे जेनेटिक्स में मॉर्फोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, प्लांट ब्रीडिंग्स में भी, ब्रीडिंग में भी होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी मॉर्फोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए प्लांट की, हॉर्टिकल्चर में भी होना चाहिए, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में भी होना चाहिए और कई अदर फील्ड्स होते हैं वहां पर मॉर्फोलॉजी का नॉलेज सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का स्पेशली। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कि वी ऑल्सो आपको नीड होगी कि नो वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन क्या होते हैं, अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स? तो फ्रेंड्स, अडेप्टेशन जो भी होता है, स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अडेप्टेशन देयर एनवायरमेंट में, जहां भी ये प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वहां उस एरिया में कैसा अडेप्ट करते हैं, ये अनुकूलन कैसा करते हैं, उसे अडेप्टेशन कहते हैं। तो अडेप्टेशन टू द अडेप्टेशन टू हैबिटेट्स, हैबिटेट यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स रहने की जगह, स्पेशली प्लांट्स, कई प्लांट्स मार्शी एरिया में भी रहते हैं या हाइड्रोपाइड्स भी होते हैं मार्शी एरिया में, कई सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स कहते हैं, और वो प्लांट उनका डेजर्ट में भी प्लांट पाए जाते हैं, उनका प्रोटेक्शन ये सर्वाइव करने के लिए कैसे करते हैं, कई को थॉर्न्स होते हैं, कई प्लांट्स क्लाइंबिंग ऑर्गन्स होते हैं, कई प्लांट्स में स्टोरेज फंक्शन होता है, ये अडेप्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो एडेप्टेशन यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन को ये सर्वाइव कैसे करते हैं, इसकी ये एडेप्टेशन कहते हैं इसे। जब आप कई वीड्स यानी कि जंगली घास आप पुल अप करते हैं, पुल आउट करते हैं, तो आपको दिखाई देते हैं रूट्स और स्टेम्स भी दिखाई देते हैं, स्लीव्स भी दिखाई देते हैं, फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं और फ्रूट्स भी दिखाई देते हैं, वीड की बात चल रही है। ये जब वीड में आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, उसे रूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में ये अंडरग्राउंड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जमीन के अंदर अंडरग्राउंड पार्ट होता है और इसे रूट सिस्टम कहते हैं। जो पार्ट जो पोर्शन और पार्ट अबव द ग्राउंड होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड दिखाई दे रही है, ग्राउंड दिखाई दे रही है, उसे शूट सिस्टम कहते हैं। और शूट सिस्टम ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी कि सनलाइट की तरफ ये उनके सभी फ्लावर्स और फ्रूट्स और लीफ होते हैं, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है ये शूट सिस्टम। और रूट सिस्टम की जब बात करते हैं यारो, कि ये रूट सिस्टम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, यानी कि जमीन के नीचे ये डेवलप करती है, इनके रूट पेनिट्रेट होते हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, रूट कभी भी अबव द सॉइल नहीं होते। ये हुई बात, अबव द सॉइल नहीं होते हैं, एक्सेप्ट ये कई ऐसे प्लांट है राइजोफोरा जैसे, ये सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, उनके रूट अबव द ग्राउंड होते हैं, याद रखना। ये आगे बात करूंगा, जरूर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कि द रूट क्या है, तो रूट की बात करेंगे यहाँ पर। आप जानते हैं कि कई ऐसे सीड जर्मिनेटिंग आपने जर्मिनेट होते हुए दिखाई देंगे, तो मेजोरिटी डाइकोटिनस प्लांट्स ये डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल से। जब रूट सीड डेवलप होता है, यहाँ पर सीड डेवलपमेंट का पिक्चर आपके लिए दिखाई दे रहा है, और रेडिकल से रूट फॉर्म होते हैं, और ये जब रूट रेडिकल से फॉर्म होते हैं उसे प्राइमरी रूट कहते हैं, याद रखना। ये बात हो रही है डाइकोटिनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल पहले आएगा बाहर और उसके बाद ये शूट सिस्टम आएगी, उसे क्या कहेंगे, प्लूम्यूल कहेंगे शूट सिस्टम को। फ्रेंड्स, रूट की ही बात करेंगे इस वीडियो में। प्राइमरी रूट बियर्स ए लैटरल रूट्स, यहाँ पर देखिए कि ये प्राइमरी रूट दिखाई दे रहे हैं, उसे प्राइमरी रूट को टैप रूट कहते हैं डाइकोटिलेडन में। उसके बाद प्राइमरी रूट पर भी, रूट पर ही सेकेंडरी रूट्स आते हैं, और सेकेंडरी रूट्स पर टर्शियरी रूट्स आते हैं। तो टैप रूट सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये याद रखना। टैप रूट ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट का ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, और प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट अ टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी और उसे टैप रूट कहते हैं, और उसके ब्रांचेस जो भी होते हैं सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट, इसे टैप रूट कहते हैं।
और इसका एग्जाम्पल की जब बात करेंगे कि मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर देखिए ये मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये सरसों का प्लांट से, और ये शूट सिस्टम, ये किसे क्या होते हैं कि फ्लावर फ्रूट सीड्स और लीफ, और उसे नोड भी और इंटर नोड भी होते हैं और बर्ड्स भी होते हैं। ये एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सिस्टम उसे शूट सिस्टम कहते हैं, और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, उसमें प्राइमरी रूट या उसे टैप रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट पर भी टर्शियरी रूट आते हैं, ये ऑब्लिगली डाउनवर्ड्स होते हैं, और टैप रूट सिस्टम जो भी होती है ये पेनिट्रेट करके जाती है जमीन के अंदर। ये मस्टर्ड प्लांट उसे सरसों का प्लांट कहते हैं, ये मराठी में इसे क्या कहते हैं, मोहरी का प्लांट कहते हैं भाई। तो ये वही बात है टैप रूट सिस्टम की। आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स ये तीन टाइप की रूट सिस्टम होती है, टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अभी बात करेंगे सेकंड रूट सिस्टम, फाइबरस रूट। ये आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हो रही है, किसे कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम, द रूट्स, यहाँ पर ध्यान से देखना, द रूट्स, ध्यान से सुनना, द रूट्स ओरिजिनेट, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम्स के बेस से जो भी रूट ये ओरिजिनेट होते हैं आते हैं उसे फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, याद रखना। ये 2020 में पूछा है यहाँ पर, फाइबरस रूट सिस्टम का जिक्र किया था, एक क्वेश्चन आया था। ये रूट सिस्टम आप देखेंगे कि मोनोकोटिलेडोनस जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो भी जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसे प्राइमरी रूट आते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और आगे क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड रूट्स रिप्लेस होते हैं, ये रिप्लेस होते हैं कैसे, बाद में इसे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स आते हैं, प्राइमरी रूट्स रिप्लेस ये चल जाते हैं और बाद में लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के रूट्स आते हैं, उसे फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं भाई। इसका एग्जांपल की बात करेंगे, यदि आप व्हीट का प्लांट देखते हैं, व्हीट प्लांट की रूट सिस्टम यहाँ पर देखिए, व्हीट प्लांट की सिस्टम, ये व्हीट प्लांट की सिस्टम ये फाइबरस होती है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है कि फाइबरस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, याद रखना, उसे फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, एग्जाम्पल है व्हीट प्लांट। आगे देखेंगे कि दूसरा तीसरा टाइप है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि किसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, जो रूट्स अराइज होते हैं फ्रॉम पार्ट्स या ऑर्गन्स, किसके ऑर्गन, प्लांट के ऑर्गन, प्लांट के पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के बजाय बजाय अदर जो भी पार्ट्स होते हैं उससे जो रूट डेवलप होते हैं उसे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं, याद रखना। इसके एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कि रेडिकल से नहीं होते, रेडिकल से नहीं होते, नहीं होते, अदर पार्ट से होते हैं इसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो ग्रास, जितने भी ग्रासेस होते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रासेस का पिक्चर आपके लिए दिखाई दिया है, मोनस्टेरा, ये याद रखें, मोनस्टेरा ये स्पेशल प्लांट है, यहाँ पर देखिए कि रूट ही तो नीचे है और दूसरे रूट आए हैं अदर देन, यहाँ पर देखिए तो उसे एडवेंटेशियस रूट, ऊपर एरियल पार्ट से रूट आ रहे हैं मोनस्टेरा में। और बैनियन ट्री की आप जानते हैं, ये बैनियन ट्रीज, ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है और बरगद के पेड़ के ब्रांचेस को रूट आते हैं, तो ये एडवेंटेशियस रूट सिस्टम होती है, याद रखना, ये एडवेंटेशियस रूट सिस्टम की बात चल रही है। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, रूट्स के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम कैसे है। पहला फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है रूट्स का, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, मिनरल्स का और वाटर का एब्सॉर्प्शन करने का ये प्राइमरी फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज, ये होल्ड करना या ग्रिप करना उस प्लांट को, उसे एंकरेज कहते हैं। और तीसरा फंक्शन होता है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स, और फोर्थ फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, उसे शॉर्ट में PGRs कहते हैं। तो ये हुई बात चार फंक्शन की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपने स्कूल लेवल में भी जाना ही, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्लांट पे, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं किस लिए, इंट्रा सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये प्रमोट करते हैं सेल डिविजन्स में, सेल एनलार्जमेंट में, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ये सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, और ये रूट सिस्टम में पाए जाते हैं, रूट में, अपिकल रूट में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कि ये रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे से देखेंगे कि ये रूट कैप होता है, और रूट कैप और उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और लास्ट में होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में यूनिसेल्युलर रूट्स होते हैं, एक कोशिकाएं की रूट होती है, एक पेशी की रूट्स। रीजन ऑफ रूट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रूट कैप की बात करेंगे। रूट कैप यहाँ पर देखिए, रूट कैप क्या है, द रूट इज कवर्ड। ये देखिए यहाँ पर रूट कवर हुआ है, ये रूट कैप से रूट कवर्ड हुआ है। कैसे, एट द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक नोक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे रूट कैप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है रूट कैप। ये देखिए यहाँ पर रूट कैप की बात हो रही है, रूट कैप का जो है यहाँ, और ये रूट कैप प्रोटेक्ट करता है किसे, टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट। ये देखिए यहाँ पर ये रूट कैप प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स, इसे टेंडर अपेक्स कहते हैं। यहाँ पर रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का। ये रूट कैप मेक अ वे थ्रू द सॉइल, सॉइल में या किसी भी जहां पर भी प्लांट पाया जाता है रूट कैप होता ही होता है, और ये सॉइल में पेनिट्रेट करता है। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे कि रीजन्स ऑफ रूट्स, रूट के रीजन्स। पहला रीजन होता है रूट कैप। ये देखिए यहाँ पर रूट कैप की बात हो रही है, एनसीईआरटी में लिखा है द रीजन्स ऑफ रूट टिप, ये फिगर थर्ड है, और द रूट्स कवर्ड एट अपेक्स, रूट के अपेक्स को ये कवरिंग है, और उसे रूट कैप कहते हैं। थिम्बल लाइक होता है, नोक जैसा होता है स्ट्रक्चर, उसे रूट कैप कहते हैं। और रूट कैप प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट। रूट कैप किसे, ये देखिए यहाँ पर ये टेंडर अपेक्स की बात चल रही है, इसे प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या रीजन ऑफ डिवीजन। रीजन ऑफ डिवीजन यानी कि सेल का डिवीजन, ये होता है यहाँ पर कहाँ पर, यह फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, रूट कैप के कई मिलीमीटर अबव ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। और ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन क्या होता है, इसके अंदर जितने भी सेल्स वेरी स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और ये सेल थिन वॉल के होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म के होते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, होल कंटेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, होल कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के सेल होते हैं, इसे डेंस प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना ये भी बात, आपको पूछ सकते हैं भाई। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये रूट कैप का जोन, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, ये इसके सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो ए रैपिड इलोंगेशन, ये इलोंगेट होते हैं, यहाँ के जितने भी सेल होते हैं उसका साइज स्टेप चेंज होता है, इलोंगेट होते हैं, लंबे होते हैं। एनलार्जमेंट फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट की लेंथ यहाँ पर रीजन ऑफ इलोंगेशन में बढ़ती है। और इलोंगेशन ऑफ सेल्स जो भी होता है, ये जोन ऑफ ये डिफरेंशिएट होता है एंड मैच्योर होते हैं। यहाँ पर से यहाँ इस एरिया में सेल मैच्योर होते हैं, उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, लास्ट रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, देखिए इस डायग्राम में रीजन ऑफ मैचुरेशन, उसे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की जब बात करते हैं, फ्रॉम दिस रीजन, रीजन ऑफ मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन, या इस रीजन से सम इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल ये क्या होती है, ये डेलिकेट होती है। यहाँ पर रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात चल रही है, ये बाहर, ये स्टेम के ऊपर की बाहर की जो भी सेल होती है उसे इपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ये डेलिकेट होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यूनिसेल्युलर रूट्स ये होते हैं, यूनिसेल्युलर रूट्स। यहाँ पर देखिए ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिका की सेल्स होती है, एक पेशी की सेल्स होती है, यूनिसेल्युलर रूट होते हैं।
और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया, आपको जरूर पूछेंगे नीट में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ये रीजन ऑफ मैचुरेशन में कई पाइपलाइन होती है, उसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जाइलम कंडक्ट द वाटर और फ्लोएम कंडक्ट द मिनरल एंड सॉल्ट्स। ये हुई बात रीजन ऑफ मैचुरेशन की। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की बात करेंगे। ये यहां से क्वेश्चंस हमेशा बिलोंग करते हैं, रूट्स इन सम प्लांट्स, कई प्लांट्स में रूट्स चेंज देयर शेप, इन इन रूट के शेप्स चेंज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, और बिकम मॉडिफाइड परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट होता है। अदर की बात करेंगे कि मॉडिफाइड जितने भी रूट्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं प्लांट को सपोर्ट, दूसरा फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और तीसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, ये तीन की बात करेंगे। इस पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर दिखाई देता है आपको टर्निप, कैरेट, टर्निप ये नेपीफॉर्म रूट है, कैरेट ही कोनिकल रूट है, और ये रेडिश, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा लेकिन मैंने आपके लिए दिया है, ये फ्यूजीफॉर्म रूट होता है रेडिश। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये सभी शलजम टर्निप कहते हैं उसे, कैरेट उसे आप जानते हैं कैरेट, ये कैरेट टैप रूट कहते हैं इसे, कैरेट को टैप रूट, ये कोनिकल होता है, टर्निप ये नेपीफॉर्म होता है, और रेडिश ये आप देखिए फ्यूजीफॉर्म होता है, सभी टैप रूट के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना कि पूछते हैं टर्निप कैरेट और रेडिश ये रूट टैप रूट है, अरे याद रखे टैप रूट किसे कहते हैं, शलजम यानी कि ये टर्निप कैरेट और ये एग्जाम्पल है रेडिश, ये टैप रूट के एग्जाम्पल है, ये मॉडिफिकेशन है किसके लिए, ये स्टोरेज रूट होते हैं स्टोरेज। आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स ये एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे, यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स ये सपोर्ट कौन सा होता है, एडवेंटिशियस रूट में हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ उससे प्रॉप रूट होते करते हैं, ये ब्रांचेस से रूट आते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट आते हैं, जमीन के अंदर घुस जाते हैं, उसे प्रॉप रूट कहते हैं, जो रूट ब्रांचेस से डेवलप होते हैं उसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। आगे देखेंगे कि स्टेम्स ऑफ मेज, मेज का स्टेम दिखाई देता है, ये देखिए मेज का स्टेम्स, और शुगर केन की बात करें कहते हैं यहाँ पर, ये शुगर केन का ये स्टेम दिखाई दे रहा है, स्टेम ऑफ मेज और शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, स्टेम के लोअर नोड्स होते हैं और लोअर नोड्स को ये सपोर्टिंग रूट्स आते हैं, सभी एरिया से आते हैं, उसे स्टिल्ट रूट कहते हैं, याद रखना स्टिल्ट रूट्स आर प्रेजेंट इन मेज एंड शुगर केन, ये वही बात है शुगर केन के और मेज के स्टिल्ट रूट की। इस वीडियो में सिर्फ रूट्स की बात की है मैंने आपके लिए, माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।